हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम की सेट्स में और ऑपरेशन ऑफ सेट्स में ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या क्या होता है आप देखेंगे भी यूनियन होगा ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ऑफ सेट्स ये सब बातें हम लोग सीखने वाले हैं तो मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं जैसे आप समझ जाए कि लेक्चर किस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है अभी बात करेंगे हम लोग वेन डायग्राम की इसमें जो सीखेंगे आज अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ दूसरा हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है ये भी बातचीत करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स जिसके अंदर हम लोग यूनियन सीखेंगे इंटरसेक्शन सीखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंस भी सीखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स इतनी चीजें हम लोग आज करेंगे जो एक्सरसाइज से पहले तक हमें सीखना है वो सारी बातें सीखेंगे एक्सरसाइज करने से पहले खैर बात को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं वो सीरियल वाइज या सीक्वेंस में देखिएगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए मैथमेटिक्स आसान लगे और आपका कमांडिंग पोजीशन हो जाए मैथमेटिक्स में अगर सीरियल वाइज आप देखते चलेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आप आसानी से पकड़ पाएंगे जो तो छोटी छोटी बातें मैं बीच में बताता हूं वही आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाने वाली है चलिए समय गवाए बिना स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग वेन डायग्राम से तो पहली बात समझते हैं कि आखिर वेट डायग्राम क्या होता है हमारे सेट्स में बहुत सेट्स को और सेट्स की रिलेशनशिप्स को यानी सेट्स को एंड रिलेशनशिप ऑफ सेट्स को रिलेशनशिप ऑफ सेट्स को हम डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम्स आप जानते ही हैं कि कोई भी पिक्चर या कोई भी डायग्राम बहुत ज्यादा कहानी अपने साथ लेके आता है जो बातें दस लाइन में बीस लाइन में कही जाती है वो एक डायग्राम या पिक्चर आपको एक झटके में समझा देता है यही डायग्राम को हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स वेन डायग्राम्स यानी वेन डायग्राम से क्या चीज हम शो करेंगे सेट्स को और सेट्स की रिलेशनशिप को वेन डायग्राम का जो नाम है वो एक लॉजिशियन थे जॉन वेन उनके नाम पे रखा गया है जॉन वेन वो लॉजिशियन का मतलब लॉजिक दे दे के सारी बात करते थे 1834 से वो रहे इस दुनिया में 1883 तक तो इस समय जॉन वेन के नाम पे ये वेन डायग्राम बड़ा है और ये जो वेन डायग्राम इसमें करते क्या है देखिए नॉर्मली हम लोग वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर शीट या कैनवस लेते हैं ऐसे जैसे आप कहीं डायग्राम बनाते हैं पेंटिंग करते हैं तो कोई कैनवस चाहिए होता है ना या पेपर पे भी डायग्राम बना रहे तो पेपर चाहिए जिसपे रंगे होते हैं तो वैसे ही हम एक रेक्टेंगुलर शीट लेते हैं या रेक्टेंगुलर एक बॉक्स लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं एज ए यूनिवर्सल ब्लॉक यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैंने पीछे के लेक्चर्स में बताया है जिस कॉन्टेक्स में आप बात करते हैं उसका एक यूनिवर्सल सेट होता है यानी वो कैनवस होता है उसके अंदर सारे सेट्स की बात करते हैं और इसमें नॉर्मली हम लोग सेट्स को सेट्स को सर्कुलर फैशन में या सर्कल डायग्राम में शो करते हैं दिखाने को कई और डायग्राम में दिखा सकते हैं लेकिन जो प्रचलन में है जो ज़्यादा यूज होता है वो इसी तरीके की इसी तरह का पिक्चर यूज होता है तो एक रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगल ले लेंगे हम लोग जिसको यूनिवर्सल सेट कह देंगे और अंदर एक सर्किल लेंगे अगर एक सेट है तो एक सर्किल और दो सेट है तो दो सर्किल जैसे मैं दिखाता हूं आपको कि सपोज करिए कोई हमारे पास इसी डायग्राम को और भी एक दो एग्जाम्पल लेंगे तो और फंडा क्लियर हो जाएगा मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास है एक दो तीन चार और एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है एक और दो इसको अगर मैं पिक्टोरियल फॉर्म या वेन डायग्राम की क्या है वेन डायग्राम अगर मैं वेन डायग्राम से शो करना चाहूं जिससे हम आसानी से समझ सकें तो देखिए अगर ये सेट ए है हमारा इस सेट को मैं ए लिख देता हूं दिस इज सेट ए तो ए में कौन से एलिमेंट है वन और टू दो एलिमेंट इसके अंदर पाए जा रहे हैं इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में कितने हैं एक दो तीन चार तो तीन चार इसके अंदर नहीं होंगे कलर चेंज करता हूं तीन और चार आप कहीं भी इसमें मेंशन कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन इस भाषा को दिखा रहा है कि यूनिवर्सल सेट में एक दो तीन चार यूनिवर्सल सेट में एक, एक भाई एक दो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है ही पूरे कैनवस के तो एक दो तीन चार यूनिवर्सल सेट हो गया और सेट ए के अंदर क्या रहा वन और टू मेरे ख्याल से बात आप समझ पाए होंगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंने स्लाइड बनाई है कि नहीं नहीं बनाई है तो मैं इसी में लिख के दिखा देता हूं जो बुक में है जिससे आपको और बेहतर क्लैरिटी मिल जाए एक सेट के बारे में तो बात हुई गई हम लोग वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और बाकी सेट्स की बात करते हैं मान लीजिए तीन सेट ले लें हम लोग सपोज करिए एक यूनिवर्सल सेट ले ले लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सपोज करिए और एक सेट ले लेते हैं कोई भी मन से बना लेते हैं आपकी समझ में बहुत प्यार से आ जाएगा एक दो तीन और एक सेट बी और ले, ले लेते हैं इस बार और उसमें मैं दिखा देता हूं कि दो है तीन है और चार और पांच है ये सपोज करिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करना है वेन डायग्राम की भाषा में तो वेन डायग्राम में पहले आप बनाएंगे क्या रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए अब बनाते हैं सेट ए तो सेट ए प्यार से बना लो ये रहा सेट ए अब सेट ए में जो जो एलिमेंट सेट को दिखाएंगे कैसे कहीं नाम लिखना पड़ता है तो इधर ए लिख देते हैं इसके बाजू में बस ये ए हो गया ए के अंदर देखिए एक दो तीन तीन एलिमेंट हैं इसके अंदर तो मैं लिख देता हूं एक दो तीन आप देख पा रहे होंगे अब इसमें दूसरा सेट है जिसमें दो तीन चार पांच एलिमेंट हैं अब दो तीन ए में भी शामिल है देखिए ये और दो तीन यहां भी शामिल हैं तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे एक सेट ऐसे बनाएंगे बी दो तीन दोनों में शामिल हो गए और उसके अलावा चार पांच इसमें और है कलर बदल लेना चाहिए जिसे आप पकड़ पाए चार और पांच इधर लिख दिया देखिए समझिए बिल्कुल आसानी से बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है दो तीन चार पांच बी का गोला देख रहे हैं ये देखिए दो तीन चार पांच बहुत सुंदर के अंदर कितने कितने हैं एक दो तीन एक दो तीन मजा आ गया <laughs> अब यूनिवर्सल सेट बचा है क्योंकि तो यूनिवर्सल सेट में अभी तो एक दो तीन चार पांच ही है छ नंबर भी चला अभी छूटा हुआ है तो इस छे नंबर को भी यहां कहीं कहीं भी आप इसके अंदर इन दोनों के अलावा आप रख दो ये डायग्राम आपने शो कर दिया इस तरीके से आप इसको मेंशन या वेन डायग्राम को बना पाएंगे वेन डायग्राम की अहमियत बहुत ज्यादा है एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव यूज होने वाला है और होना भी चाहिए क्योंकि वेन डायग्राम से आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी देखिए कई मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म वेन डायग्राम के अलावा फॉर्मूले भी निकालेंगे लेकिन आप देखेंगे ना कि अक्सर वेन डायग्राम चीजों को इतना सरल करके आपके सामने रख देगा कि आप देख पाएंगे और चीजें मिनटों में हो जाएंगी तो हमें वेन डायग्राम अच्छे से आना ही चाहिए चलिए बात को आप समझ गए होंगे ये वेन डायग्राम बनाने का कहानी है इसका यूज होगा सुपर एक्सटेंसिव इसलिए किसी भी कीमत पे इसको अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए चलते हैं अगले टॉपिक पे देखते हैं अगला टॉपिक हमारे लिए क्या है ये देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स तो अब इसको ऑपरेशन ऑन सेट्स को थोड़ा समझ लेते हैं आज से पहले आपने जो भी पढ़ाई की क्लास टेन तक आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच में जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना गुणा करना या डिवाइड करना भाग करना ये ऑपरेशंस आपने लगाए थे नंबर्स के ऊपर रियल नंबर्स के ऊपर दो तीन चार पांच और जब भी ऑपरेशन आप लगाते थे ध्यान दीजिए दो नंबर के बीच लगाते थे दो प्लस तीन और इसका कुछ रिजल्ट आता था जैसे कि पांच या दो इंटू तीन इसका रिजल्ट आता था छ आप देख रहे हैं ये क्या है ये ऑपरेशन ही है ये ऑपरेशंस थे किसके रियल नंबर्स के जिनके दो रियल नंबर के बीच में ये ऑपरेशन लगाते थे और तीसरा रियल नंबर आपको मिल जाता था इसी तरीके से हम लोग सेट्स में दो सेट के बीच ऑपरेशन लगाएंगे अब दो क्योंकि रियल नंबर ये जो कहानी थी ये रियल नंबर के लिए कम से कम समझ रहे थे अब रियल नंबर एक अलग स्पीसीज है स्पीसीज समझते हैं ना मतलब जैसे समझ गए होंगे जानवर एक अलग स्पीसीज समझ लो एकदम तो मोटे तौर पे और इंसान अलग कर लो तो भाई इंसान जो खाना खाता है वो वो आ, हमारी गाय भैंस थोड़ी खाती हैं वो खा लेती है उसके अलावा वो घास भी खाती हैं इंसान घास नहीं खा सकता तो हमारा बिहेवियर उनके बिहेवियर से अलग अलग है कुछ बातें कॉमन हो सकती हैं इसलिए जो भी नए नंबर सेट जैसे सेट्स तो सेट्स एक अलग स्पीसीज आ गया तो सेट्स अगर अलग स्पीसीज है तो उसमें लगने वाले ऑपरेशंस जैसे गाय भैंस के लिए चारा या भूसा या ग्रास क्या बोलते हैं हरी घास बड़ी अच्छी लगती है उनको इसी तरीके से इनके ऑपरेशंस भी अलग होते हैं ऑपरेशंस है ना भाई इसके ऑपरेशन जोड़ घटाना गोड़ा भाग था इसका जोड़ घटाना गोड़ा भाग नहीं होगा इसके ऑपरेशन कुछ और होंगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी अभी समझेंगे और भी तो ये जो ऑपरेशन लगेंगे इसमें जब आप ए ऑपरेट करेंगे दो के बीच में ये ऑपरेशन है तो तीसरा एक सेट मिल जाया करेगा आपको जैसे दो नंबर के बीच में ऑपरेशन लगता था तो तीसरा नंबर मिलता था इसी तरीके से एक सेट और दूसरे सेट के बीच में जब कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें एक तीसरा सेट मिलेगा ऑपरेशंस को हमें यहां पर एक एक करके समझना है कि कौन कौन से ऑपरेशन सेट्स में लगते हैं आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन का मीनिंग क्या है और जो ऑपरेशन रियल नंबर के लिए लग रहे थे ऐसा मान के कभी नहीं चलना है क्योंकि कई नई चीजें पढ़ेंगे आप लोग चौथे पांचवे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टी सेम हो सकती है रियल नंबर जैसी तो ऐसी भावना या इंटेंशन या प्री डिफाइंड माइंड नहीं होना चाहिए कि साहब ये पढ़ाता तो ऐसा सब में लगेगा अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग वेराइटी ऑफ नंबर्स में अलग अलग ऑपरेशन लगते हैं मेरे ख्याल से मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर दिया आपको अब इसी सेट्स में दो सेट के बीच में जो ऑपरेशन लगाने हैं उनमें कौन कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं तो पहला ऑपरेशन हम लोग लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स अब यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है अब दो सेट्स के बीच में लगेंगे ये ऑपरेशन तो लिख दो लेट ए एंड बी आर बी यानी टू सेट्स एनी टू सेट्स अब यूनियन क्या होता है द यूनियन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट Which, अभी मैं बिल्कुल एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं सेट विच कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ बी बात समझ में आ गया और कॉमन एलिमेंट साथ लेते हुए विथ कॉमन एलिमेंट्स रिटर्न ओनली वंस ठीक सिंबल क्या है इसका सिंबल होता है अभी आप बिल्कुल मैं एग्जांपल दूंगा गिनती से तो आप समझिए ये यूनियन का एग्जांपल होता है तो जब भी हमें ए यूनियन बी लिखना होगा तो सिंबोलिकली हम लोग ए यूनियन बी ऐसे लिखेंगे यू लिखते हैं ऐसे खींच के यू लिखेंगे और इसको रीड कैसे करेंगे इसको रीड करेंगे ए यूनियन बी अब इसको सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर मैं एग्जांपल देता हूं तो दो सेट हमारे पास अगर हैं तो उनका यूनियन ए यूनियन बी क्या मतलब है सेट ए के सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए सेट बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए और जो ए बी दोनों में शामिल हैं उनको दो बार नहीं लिखना है एक ही बार लिखना है अब लेते हैं एक छोटा सा मनगणंत एग्जाम्पल जिससे चीजें आप ज्यादा पकड़ पाए जैसे मैं एग्जाम्पल्स आपको नंबर में ही दूंगा जिससे आप आसानी से समझ सकें ए में लिख देता हूं एक दो तीन और बी को लिख देता हूं दो तीन पांच ठीक अगर मैं ए यूनियन बी लिखता हूं ए यूनियन बी का मतलब है ए के सारे एलिमेंट तो एक दो तीन पहले छाप दो अब इसके भी सारे लेकिन सारे लेकिन लिखने तो क्योंकि आ चुका है, तो दो को लिखने के नहीं है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, नहीं दोन को, को रिपीट नहीं करना है यानी हम इस बात को दिमाग में रखेंगे रिपीट किए बिना पांच और छ अगर मैं लिख दूं तो ये ए यूनियन भी है अब ए यूनियन भी आप समझ गए ए के भी तीनों एलिमेंट शामिल हैं ये देखिए और बी के भी दो तीन पांच छ दो तीन पांच छह इसमें शामिल है इसे बोलते ए यूनियन भी बिल्कुल आसान है कोई भी परेशानी नहीं है तो लिखेंगे सिंबोलिकली ए यूनियन भी पढ़ेंगे ए यूनियन बी ये इसको रीड आउट करना है मेरे ख्याल से एकदम सरल सी बात है कोई टेंशन नहीं आती अब बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं शायद बारह तेरह चौदह करके तो उन एग्जाम्पल्स को भी समझ लेते हैं और हमारा स्ट्रेंथन हो जाएगा कॉन्सेप्ट बेटा तो, तो ये मेरे ख्याल से अगला एग्जाम्पल होगा बारह से बारह तेरह चौदह और ये रहा एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व मैं कलर रेड ले, ले लेता हूं लिखा है लेट ए इज टू टू फोर सिक्स एट एंड बी सिक्स एट टेन ट्वेल्व फाइंड ए यूनियन बी अब आप बड़े आसानी से समझ गए हैं कि ए यूनियन बी तो वो होता है जो दोनों में एलिमेंट हो हमारे तो पहले वाले को तो सीधे ही छाप दो आप दो, चार छठ लिख दिया आपने अब देखो जो रिपीट हो रहा है उसको दो बार मत लिखना छ आठ छोड़ दो और दस बारह लिख दो तो ये आपने क्या निकाल दिया दिस इज ए यूनियन बी छ आठ को जो कि दोनों में कॉमन था इसको हम लोगों ने केवल एक बार लिखा है रिपीट नहीं किया अब तक एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं प्यार से समझ में हा ही गया होगा चलते हैं अगले एग्जांपल में बस ये हो गया इतना ही कहा था उन्होंने बस अब ये एग्जांपल नंबर थर्टीन है बच्चों एकदम प्यार से समझिए लेट ए एनियन बी ए के बराबर है अरे बिल्कुल शो कर देंगे यूनियन बी का मतलब होता है ए के छापी दो एब e, इसके ऑलरेडी आ चुका है आई ऑलरेडी आ चुका है यू ऑलरेडी आ चुका है तो आ ही चुका है तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं और जब ए यूनियन B हम लिख के बैठे तो हमें क्या नजर आया कि अरे भाई ये तो वही वाला सेट है जो ए था हो गया काम कदम दिस इज इक्वल टू ए अभी कह रहे शो दैट इतना बड़ा लिख दिया है कि हिंदुस्तान को शो हो रहा है <laughs> आप समझ पाए होंगे तो बस हो गया इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और यहां पर आप देख ही पा रहे हैं कि ए यूनियन बी क्या हो गया ए तो इस तरीके से चीजें करते भी अगला एग्जांपल ले लेते हैं अब इसमें बात की जाए इस सिचुएशन में ए यूनियन बी में अगर मैं बात करूं तो कोई भी सेट लेंगे वो ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा यहां पर ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी क्योंकि ए यूनियन बी में सबसेट पढ़ाया है पहले हमने ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट शामिल हैं जो ए के हैं प्लस बी के हैं तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ये किसका सिंबल यूज किया जा रहा है सबसेट का ट क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है बड़े सुंदर तरीके से इसीलिए होंगे तो मक्खन की तरह पर की सारी चीज पकड़ के चले तो ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी ए यूनियन बी का सबसेट होगा यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है बात हो जाती है खत्म खैर एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इस सवाल से इसका लेना देना कुछ नहीं था ये तो साबित ये तो शो हो ही चुका है अगला एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन और इसमें लिखा हुआ है एक्स एक अब नंबर छोड़ के ये नाम पे आ गए राम गीता अकबर ये देखिए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इलेवेंथ हु आर इन स्कूल हॉकी टीम ये स्कूल हॉकी टीम में शामिल है वाई है गीता डेविड अशोक द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास आर हुआ द स्कूल फुटबॉल टीम एक हॉकी टीम एक फुटबॉल टीम फाइंड एक्स यूनियन वाई एंटरप्रेट द सेट अब एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या हो गया एक्स यूनियन वाई का मतलब सिंपल मतलब यह है कि जो दोनों में मतलब दोनों के एलिमेंट होने चाहिए तो यहां पर राम गीता राम गीता और अकबर तो पहले ही लिख दो भाई और इसके बाद देखते हैं गीता आ चुकी है छोड़ दो अशोक नहीं आए डेविड नहीं आए तो डेविड और अशोक और लिख दो ये रहा डेविड और ये रहा अशोक ठीक ये मैंने x यूनियन y निकाल के रख दिया अब कह रहा है कि ये इंटरप्रेट करिए कि x यूनियन y का मतलब क्या है तो यहां समझ में आता है कि ये वो बच्चे हैं जो क्लास इलेवेंथ में हैं, या तो वो हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में है तो एक्स यूनियन भी क्या बताता है दूडेंट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास लेवन फ्रॉम क्लास क्लास भी लिख दो भाई क्लास लेवन हु आर इन hockey टीम हॉकी टीम और शब्द पे ध्यान दीजिएगा ओ आर और लगा है और दी फुटबॉल टीम और दोनों में शामिल है यह इसका मतलब है कि इसमें जो बच्चे हैं या तो वो हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में है हॉकी फुटबॉल दोनों टीम में शामिल है बात हो जाती है खत्म ये इंटरप्रटेशन है एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन का मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पाए होंगे चलिए आगे की आगे का पॉइंट देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है अब यूनियन ऑफ सेट्स जो था इसका प्रॉपर डेफिनेशन प्रॉपर्टीज का बात आ जाता है अभी तक तो उन्होंने एक फील ले लिया समझ लिया क्या है अब इसको प्रॉपर डिफाइन करो मैथमेटिकली इसके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी देख लेते हैं वेन डायग्राम में भी इसमें क्या इश्यो करता है वो भी समझ लेंगे तो डेफिनेशन के तौर पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है ऐसा कभी मत समझिएगा कि डेफिनेशन को हर बार रटना रहता है याद रखना ठीक है आपसे कहीं डेफिनेशन लिखने को नहीं आती मैथमेटिक्स में लेकिन डेफिनेशन उस चीज़ की पहचान होती है तो पहचान पाएंगे तभी जब आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी खैर द यूनियन ऑफ टू सेट्स द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट विच कंसिट्स किसके एलिमेंट ए के हो या बी हो कंसिट्स ऑफ

विच आर इन बोथ ये इसकी डेफिनेशन है बेटा इन सिंबल्स अगर सिंबल्स की बात करें हम लोग पहले सिंबल समझ चुके हैं तो क्या लिखते हैं इन सिंबल्स वी राइट ए यूनियन बी और इसका मतलब कह रहा था दैट ऑफ यू सी सेट कह रहा था दट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी ए जो लिखा है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है यह आपके दिमाग में छप जाना चाहिए मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है एक्स एलिमेंट जो है या तो ए में है या बी में है ये जब आप कहते हो तो ये इंडस्टूड है कि दोनों में भी हो सकता है तो ए में है या बी में है तो इसमें शामिल ही होगा यूनियन बी में ये बात हम समझ जाते हैं अब इसको पिक्टोरियल या वेन डायग्राम में कहा से दिखाएंगे तो वेन डायग्राम में दिखाने का मैं ब्लैक कलर से बाउंड्री बनाता हूं वेन डायग्राम की यहां पे एक यूनिवर्सल सेट ऐसे दिखाते हैं इधर लिख सकते हो इधर कहीं लिख सकते हो यूनियन सेट यहां भी मैंशन कर सकते हो यहां भी मैंशन कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं और यहां पर दो सेट में बना रहा हूं ए और ये दूसरा रहा बी ये ए सेट है ये बी सेट है अब आप जब बोलते ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट शामिल होने चाहिए यानी ए बी में जो जो एलिमेंट मिलते हैं सब शो होने चाहिए तो आपको ए के सारे का मतलब हो गया ये देखो ना ए के सारे में तो यही जैसे हम मैं लाइनें बना रहा हूं और बी भी शामिल करना है तो बी भी शामिल करना तो ये बी के भी शामिल हो गए यानी अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हम लोग इस तरीके से ए यूनियन बी ये A, जहां जहां मैंने ये लाइनें खींची हैं ओरिजेंटल लाइन खींची हैं ये क्या शो करता है ये शो कर रहा है पूरा हिस्सा ए यूनियन बी इस तरह से वेन डायग्राम में इसको शो कर सकते हो मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी से आप तक पहुंच रहा होगा और ये पकड़ के रखिए आगे की चर्चा करते हैं आइए चलते हैं आगे तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं किसकी ये जो ऑपरेशन था कौन सा ऑपरेशन यूनियन वाला तो प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऐसे लिख देते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑपरेशन वर्ड भी यूज करके रखिए जैसे आपको समझ में आए क्या है जो पहला इसका ऑपरेशन है बहुत ही सिंपल सा है या प्रॉपर्टी है वो ए यूनियन बी हमारी इक्वल रहती है बी यूनियन ए के कॉमोटेटिव लॉ फॉलो करती है कॉमूटेटिव लॉ फॉलो करती है अब आप ये जान रहे हैं कि ए यूनियन बी भी यूनियन ए के बराबर है और वेन डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए अगर आप ए यूनियन बी बनाएंगे तो भी पूरी पुताई करेंगे इसकी और बी यूनियन ए बनाएंगे तो भी पूरा पुतना पड़ेगा पहले ए के लिखे फिर बी बनाया या बी यूनियन बी बनाएंगे तो बी यूनियन बी का मतलब भी तो वही हो गया ये ए और बी है बी और ए तो ए के साथ बी के सारे लोग फिर ए के सारे लोग तो आप क्या देखोगे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात है तो ये प्रॉपर्टी वेन डायग्राम से समझ में आती है इसका एस एच प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है ये समझ लेना काफी है बाकी जो सामने आएगा उसको करेंगे एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है अब मैं इसको एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी और ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के देखिए तो इसे बोलोगे एसोसिएटिव लॉ एसोशिएटिव लॉ ये भी फॉलो करता है आप इसको भी अगर आप फील करना चाहें डायग्राम से तो देखिए आराम से फील कर सकते हैं अगर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर देखिए ए बी और इसी को सी लिख देते हैं ये ए लिख दिया इस सेट को बी इस सेट को सी यूनिवर्सल सेट अब यहां पर देखें तो लिखा ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी का मतलब क्या रहा बी में सभी लोग शामिल हों तो ए बी में जो सब शामिल होंगे वो अभी मैंने देखा था हम लोगों ने ये A, B में शामिल होने वाली लाइनें मैंने बना डाली हैं। उम्मीद आप देख पा रहे होंगे ठीक अब कह रहा है कि इसका यूनियन सी से ले लो तब सी को भी शामिल की ले रहे हो भाई ए यूनियन भी तो ये बना ही चुके हैं अब सी लोगे तो सी को भी शामिल कर लो तो सी का पार्ट हमने जो बचा था वो भी ले लिया पूरा भर गया अब यहां पर आ जाओ ए यूनियन मैं इसके नीचे बनाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा छोटा करके अगर मैं दूसरे की बात करूं ये कहा गया इधर वाला तो ये ए बी और सी अब इसमें भी आप पहले क्या लोगे पहले लोगे बी यूनियन सी ले लो ब्रैकेट है पहले तो बी यूनियन सी में जो बी और सी में शामिल हैं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बी वाला पूरा और सी वाला पूरा ये देखिए बी यूनियन सी ये हो गया बाद में ए का यूनियन ले रहे हो तो ए को भी शामिल कर लोगे तो ये पूरी पुताई हो गई यहां पर दोनों बराबर आ रहे हैं देखिए तो यू कैन इजिली गेट गेट द फीलिंग ऑफ वट इज हैपनिंग वेन डायग्राम इतना बढ़िया एक टूल है आपके पास पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द सेट्स और द रिलेशनशिप ऑफ द सेट्स खैर आगे बात करते हैं नंबर तीन रेड कलर ले लेते हैं और नंबर तीन में देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास है तो अगर मैं ए का यूनियन ले लू फाइव से फाइव क्या होता है इम्पिटी तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा ए और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव क्या है आइडेंटिटी ऑफ लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और फाइ हमारा ही क्या होता है इसका फाइव हमारा क्या है ज दी आइडेंटिटी ऑफ यूनियन अब यहां पे देखिए तो ये जो फाइव है यहीं पे डायग्राम बना लेंगे अब आपने बनाया क्या एक सेट यूनिवर्सल है दूसरा पकड़ के रखे हो ए और एक सेट फाइ है फाइव मतलब कुछ नहीं तो जब कुछ है ही नहीं खाली सेट है कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो ए यूनियन बी लोगे तो एक ही तो बराबर आ जाएगा फाइव तो कुछ है नहीं इसमें फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं खाली है वो तो ये क्या हो गया आप देखेंगे यूनियन फाइव फाइव निकल के आ जाएगा जैसे ए लिखा हुआ है थ्री। और फाई क्या है कुछ नहीं खाली अब ए यूनियन फाइव आप लिखने जाओगे तो पहले एक दो तीन लिखा अब इसमें तो कुछ था ही नहीं तो करोगे क्या तो ये छोड़ना पड़ जाएगा और ये आपका ए यूनियन बन फाइव और ए यूनियन फाइव क्या रहा दिस इज इक्वल टू ए दिख रहा है यहां पर समझ में आती है बात नंबर चार प्रॉपर्टी हमला करते हैं उस पर यहां ले चलते हैं सारी नोट करके दिमाग में आपके टाइप होनी चाहिए जैसे फटाफट इसका इस्तेमाल कर पाए ए का खुद से यूनियन ले तो क्या होगा तो हम देखेंगे वही आएगा इसको बोलते हैं एडम पोटेंट लॉ खुद का हमने खुद से यूनियन ले लिया अब यहां पर आप समझ ही रहे हैं मैं वेन डायग्राम की जगह ऐसे ही दिखाऊं अगर वन टू थ्री लिखा हुआ है और इसका खुद से ही यूनियन ले लोगे तो वही मिलेगा ए यूनियन ए वापस वन टू थ्री आ जाएगा दोनों में जो शामिल है आ जाती है बात समझ में नंबर पांच प्रॉपर्टी की बात करें जो बेसिक इंपॉर्टेंट है कि ए का यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट है मैं यू लिख देता हूं ऐसे यूनिवर्सल सेट से यूनियन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा यू इसे बोलते हैं लॉ ऑफ U ये U में ऐसे लगा देते हैं इसे पहचान पाए आप अब इसका बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई ये देखो ये बनाया वेन डायग्राम का U और यहां पर A अब A आपने ये बना दिया सेट अब इन दोनों का आपको दोनों को शामिल करना है जब दोनों को शामिल करोगे U शामिल ही कर लोगे तो A तो उसी के अंदर है ना तो ये क्या रिजल्ट आ गया U यू यूनियन A बराबर U बात कदम ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी यह प्रॉपर्टी आपको ध्यान भी रहनी चाहिए और मैंने बिल्कुल प्यार से आपको समझाया बिल्कुल समझ में भी आया होगा इस ऑपरेशन के बाद अगला ऑपरेशन हम लोग देते हैं जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये रहा बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये क्या चीज होती है तो दी मैं लिख देता हूं दो लाइनें जिसे आप नोट्स भी बना सके और समझा भी दूंगा या पहले मैं समझा दूरी चलिए मैं पहले समझा देता हूं जैसे फील मिले फिर आपको मेरी बात सुनने में मजा आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो जैसे मैंने लिखा ए वन टू थ्री दूसरा एलिमेंट लिखा बी जिसको लिखा मैंने तीन चार पांच तो मैं ए इसको सिंबल सिंबल क्या होता है उल्टा यू बनाते हैं इसको This is द इंटरसेक्शन अभी मैं लिख भी दूंगा सारी चीज तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप लिखोगे तो इसका मतलब है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है यानी वो एलिमेंट जो ए में भी हो वो एलिमेंट जो बी में भी हो तो केवल तीन है यहां पर ये इसका इंटरसेक्शन निकल आया दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी से क्या पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और ये सिंबल है ये इसका इसका रीड करने का मीनिंग है अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में जो मैं लिखना चाह रहा था वो क्या था द इंटरसेक्शन ऑफ सेट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड ऑफ सेट एंड बी इज द सेट ऑफ इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी कॉमन होने का मतलब जो दोनों में पाया जाए सिंबल द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन वो आपको भी मैंने दिखाया था उल्टा यू ऐसे सिंबल बनाते हैं दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट्स को जब लिखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे और इसको रीड आउट कैसे करोगे ए इंटरसेक्शन बी और मैथमेटिकल अप्रोच क्या लगाओगे मीनिंग मीनिंगफुल अप्रोच जो मैथमेटिक्स में लिखते हैं कहीं पर अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो ये एक सेट मिलेगा कौन सा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड पिछले वाले में और था एंड एक्स बिलोंग्स टू बी जो भी एलिमेंट ये इंपॉर्टेंट है जो भी एलिमेंट आपका ए में मिलेगा वो बी में भी शामिल होना चाहिए दोनों में कॉमन होना चाहिए जैसे आपने यहां देखा ये बात आप समझ गए होंगे कुछ एग्जाम्पल्स किताब में दिए गए थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसे हमारी क्लैरिटी सुपर हो जाए तो आइए चलते हैं उन एग्जाम्पल की तरफ एग्जाम्पल 15 से 17 इसी पे बेस्ड है तो यह रहा 15 नंबर का एग्जाम्पल इसमें जो बोला गया है कंसिडर द सेट ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व एग्जाम्पल ट्वेल्व ये लिखा हुआ है जो क्वेश्चन था इसका फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अब आप बड़े आसानी से जानते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लेना है दो और चार इसके अंदर है ही नहीं और छठ को पहचानो कॉमन है बस खत्म हो गया खेल आंसर आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रहा सिक्स और एट दैट्स ऑल बस इतना ही करना था इसमें बस आगे बात करते हैं अगले सवाल की अगले सवाल में इन्होंने फिर बोला है एग्जाम्पल नंबर 16 में कंसीडर द सेट x एंड y ऑफ एग्जांपल नंबर 14 एग्जांपल नंबर 14 ये रहा मैंने साथ में लगा दिया जैसे समझने और समझाने में आसानी रहे फाइंड x इंटरसेक्शन y तो x इंटरसेक्शन y निकालना है x हमारा ये सेट था बेटा और y हमारा ये सेट था अब x इंटरसेक्शन y का सिंपल से मतलब क्या है जो दोनों में कॉमन पाए तो राम गीता अशोक में गीता ही तो कॉमन है तो गीता हमारा वो सेट हो गया एक ये भी सेट होता है दिस इज ऑल्सो ए सेट जिसके जिसमें गीता एक एलिमेंट है चलिए एक और सवाल मेरे ख्याल सेन्थ भी है इसमें उसको भी देख लेते हैं अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या पूछा या बताया है लेट ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और बी है टू थ्री फाइव सेवन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी के बराबर है तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको पकड़ लेते हैं हम लोग तो यहां पर देखिए दो तीन पाँच सात तो दो कॉमन है तीन कॉमन है पाँच कॉमन है और सात कॉमन है ये देखिए ये दो तीन पाँच सात कॉमन है दोनों में तो दो तीन पाँच सात ये कॉमन एलिमेंट लिख दिए और फिर देखा कि दो तीन पाँच सात तो ये ये बी ही है तो यहां पर हमको क्या दिख गया दिस इज इक्वल टू बी ये दिख रहा साफ तौर पर बी के बराबर है खत्म हो गया तो यहां पर क्लैरिटी से आप दिखा पाए कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी के बराबर है या आप यहां पे देख ही पा रहे हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो काम बन जाता है इस तरीके से तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे अगला देखते हैं अगला टॉपिक क्या है बुक में शायद मेरे ख्याल से डेफिनेशन प्रॉपर्टीज की बात है दोनों डेफिनेशन डिफाइन किया है फिर वही बात लिखी गई थी तो मैं पूरी बात फिर दोबारा नहीं लिख रहा हूं केवल याद दिला रहा हूं हम लोगों ने लिख ली थी जहां पर बोला जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बिलोंग्स टू एंड एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो वेन डायग्राम के बेसिस पर अगर हम शो करना चाहें तो हम क्या चीज दिखा सकते हैं बेटा ये दो मैंने सेट बना दिए ए और बी ये यूनियन का या साइन इधर है एनसीईआरटी में इधर बनाए तो आप इधर भी बना सकते हैं कोई परेशानी नहीं है इसमें खैर मैं इधर बना देता हूं कई बच्चे इसी से डर जाते हैं सर किधर लिखना है किधर पढ़ना है ए बी बन गया ए बी का वो हिस्सा जो ए में भी हो और बी में भी हो अब उसको दिखाने का बड़ा सिंपल तरीका कौन सा कलर है मेरे हाथ में मालूम नहीं रेड है ठीक तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रहा केवल यह हिस्सा रहा देखिए यह हिस्सा क्या कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी बेटा क्योंकि यही हमारा दोनों में कॉमन है तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया अब कुछ एलिमेंट कुछ ऐसे भी सेट हो सकते हैं वेन डायग्राम के बेसिस पर जिसमें कुछ कॉमन आए ही ना अगर मैं यूनिवर्सल सेट ऐसे कर दूं ये ए सेट है ये बी सेट है तो इस समय ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो नल सेट आ जाएगा फाइव क्योंकि तो कुछ भी कॉमन नहीं है ऐसे सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनको हम बोलते हैं डिसज्वाइंट सेट्स मैं यहां कहीं ब्लैक कलर से लिख देता हूं ऐसे सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको बोलते हैं डिसज्वाइंट सेट्स डिसंट कोई ज्वाइंट ही नहीं है उसके अंदर अगर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लें गिनतियों से कुछ बना दें एग्जाम्पल तो मान लीजिए ए एक सेट है एक, दो तीन और बी एक सेट है चार पांच अब बोलें कि इसका बताइए कि ए इंटरसेक्शन क्या है तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है तो ठंड ठंड गोपाल मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो इसे क्या बोलेंगे फाइव और ये दोनों सेट क्या अनाउंस कर देंगे बोथ आर डिस बहुत ही सरल होता है ये भाई क्या क्या लिख दिया लिखा लिखा है अभी तक ठीक क्योंकि लिखता भी रहता हूं आगे सोचता भी रहता हूं इसलिए थोड़ी सी दुर्लभ सिचुएशन है <laughs> खैर पकड़ तो में आई होगी तो जिनमें कोई लेन देन ही ना हुआ वो दोनों के दोनों डिसज हो गए बहुत सुंदर बात है आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसका अध्ययन करते हैं तो इसको ऊपर ले जाते हैं अब मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन ही है ये ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या इंटर सेक्शन अभी हम लोगों पहले यूनियन की प्रॉपर्टी देखी थी अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी लो या आप बी इंटरसेक्शन ए लो बात बराबर है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कम्युटेटिव लॉ ये फॉलो करेगा आप वेन डायग्राम से देखते चलिए बहुत ही आसान लगता है ये ए बी हो गया और इसका कॉमन वाला पार्ट ये है ये ए इंटरसेक्शन बी है अगर बी इंटरसेक्शन लोगे तब भी क्या लोगे बी देखा और ए वाला कॉमन फिर ही पहुंच गए तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए दोनों ही दिशा में यही कॉमन पार्ट आपको मिलेगा बोथ आर एब्सोल्युटली इक्वल नंबर टू बात करते हैं जो एसोसिएटिव लॉ की बातचीत होती है कि ए को ले लें इंटरसेक्शन ऑफ बी और इंटरसेक्शन ऑफ सी तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन निकल के आएगा इसको फॉलो करता है इसी को बोलते हैं आप एसोसिएटिव लॉ बात पकड़ में आई होगी इसको भी देखने की कोशिश करें देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं बहुत ही सरल और मजेदार ये देखिए बना तीन बनाने पड़ेंगे गोले क्योंकि तीन सेट है यहां पर ऐसे बना दिया करो अक्सर जब तक तो कुछ और इंफॉर्मेशन हाथ ना लगे ए बी और सी और ये यूनिवर्सल से अब आपने पहले देखा कि ए यूनियन बी निकालो ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है ए बी में जो कॉमन पार्ट है तो देखिए कॉमन पार्ट कितना है ये देखिए ये वाला पार्ट कॉमन है देखा आपको ए ध्यान से देख लो एकदम शांति से ए बी का कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन पार्ट तो ये ब्लैक कलर से मैंने बनाया साफ सुथरा दिख रहा होगा अब ये कह रहा है कि इस कॉमन पार्ट का भाई ब्रैकेट लगाने का मतलब इसका खेल निकल आया इतने में खेल हो गया अब इसका कॉमन देखना है सी से अब इसका कॉमन सी से देखोगे कोई कलर और लेना पड़ेगा चमकदार सा हा? चलिए ये देखते हैं अब इसका कॉमन सी से कितना है तो ये पद्दी पार्ट है ना केवल देखो इतना सी तो पूरा था इतना लेकिन वो इससे कॉमन ही नहीं आएगा तो केवल इतना पार्ट आया इतना बड़ा करें क्या सुविधा तो है ये देखो ये अब तो हंड्रेड परसेंट दिख रहा होगा एकदम हो गया है <laughs> तो ये बात समझ में आई ना कि ये ए इंटरसेक्शन भी ब्लैक वाला पार्ट था और ये ब्लू है अब कलर कितना आपको दिखेगा मुझे नहीं पता लेकिन तीनों में तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आया वो ये आया बात पकड़ पाए होंगे बिल्कुल पक्का है तो ये हमने जो बनाया इसको वापस इसके हालात पे लेके आते हैं जो लिखने की स्थिति बने अभी भी शायद बड़ा है मेरे ख्याल से तो हाँ इत, अभी ठीक है तो ये जो कहानी थी ये क्या थी मैंने बोला था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बनाया था अब इधर वाला पार्ट बनाने की कोशिश कर लो कौन सी बड़ी बात उसको भी बड़ा करके देख लेंगे बिल्कुल एकदम जब पढ़ ही रहे हैं तो एकदम डिटेल बढ़िया समझेंगे ये चलिए अभी इस गोले बनाते थे ये ए बना बी बना और ये बना सी और ब्लैक कलर से लिखेंगे वो दिखता है यूनिवर्सल सेट ये ए सेट ये बी सेट और ये रहा सी सेट बढ़िया अब बी इंटरसेक्शन सी पहले ब्रैकेट वाला निपटाया करो तो बी इंटरसेक्शन सी क्या रहा बी और सी में कॉमन वाला पार्ट तो बी और सी में कॉमन पार्ट देखिए ध्यान से ये रहा अब इसको बड़ा करने की नौबत आ गई है इसका आप कॉमन पार्ट ए से लेना है ये क्या बनाया है मैंने बी इंटरसेक्शन सी अभी अब इसका ए और बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन पार्ट अब देखते इसको बड़ा करते हैं अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे ए से कॉमन तो ए तो ये पूरा गोला था अब केवल इतना ही पार्ट तो कॉमन है कलर कोई और ले, ले लेते हैं वही ब्लू ले, ले लेते हैं तो केवल इतना हिस्सा देखिए इतना ये हिस्सा ही तो आ पाया उम्मीद है कि ये कलर कुछ ना कुछ ब्लैक से अलग दिखाई पड़ रहा होगा हो सकता है ब्लू दिख भी रहा हो उम्मीद तो करते हैं कैमरा वैमरा ठीक ही है <laughs> अब इसका गोला एक साथ मिलाने की कोशिश करूं चलिए गोले तो थो थोड़ा छोटा कलने काम हो जाएगा ये अब इन दोनों में देखिए आप जो हिस्सा ये निकला वही हिस्सा ये ब्लू वाला निकला सेम आप देख पा रहे होंगे देख पा रहे हैं ये देखिए और ये देखिए दोनों हिस्से बराबर निकला है तो इससे समझ में आता है कि दोनों सेम है फील भी होता है पल्ले भी पड़ता है चलिए इसको वापस अपनी पोजीशन पे पकड़ के लाते हैं और आगे की चर्चा जारी रखते हैं मेरे ख्याल से ये अभी आ गया है लिखने वाली हालात में ठीक है अब खिसकाना पड़ेगा प्रॉपर्टी नंबर तीन के लिए तो ये रही दो प्रॉपर्टी हो चुकी है इसको ऊपर ही भेज देते हैं आप नोट कर लेंगे या कर चुके होंगे वीडियो पॉज करके नोट करते रहिए नंबर तीन की बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी अगर हम इंटरसेक्शन ले लें फाइव से इसका फाइव का ए से ले लें तो क्या मिलेगा फाइव भाई दोनों में कॉमन क्या है फाइव में तो कुछ है ही नहीं तो कॉमन में कुछ है ही नहीं निकल के आ जाएगा या यूनिवर्सल सेट से इंटर, इंटरसेक्शन ले लें तो यूनिवर्सल सेट से ए का इंटरसेक्शन लोगे तो ए निकल के आ जाएगा इसे ही बोल सकते हो लॉ ऑफ फाइ या एम्पटी सेट वाला एंड यूनिवर्सल सेट वाला ये ये समझ पाया हो गया आप ये यू है बेटा यूनियन ना समझ लेना ऐसे लिख दिया जाए तो ये इसको बनाने की आवश्यकता नहीं आप समझ पा रहे हो कुछ नहीं है तो कॉमन ले रहे हो तो ए ही फाइव मिल जाएगा कुछ नहीं से कॉमन और यहां सब कुछ है सब कुछ से दूसरे से कॉमन लोगे तो जो छोटा वाला पार्ट है भाई ये ये यूनियन रहा और ये ए है। तो इन दोनों में कॉमन हिस्सा क्या है केवल ए ही तो है तो ये ए है तो ये ए, तो ये ए आ गया बात पकड़ में आ गई इसमें कुछ नहीं था ए था और कुछ नहीं है तो कॉमन क्या होगा कुछ नहीं नंबर चार ले लेते हैं अगर हम किसी सेट का अपने से ही इंटरसेक्शन ले लें फिर क्या आएगा अरे तो ए ही आएगा और क्या आए? पोटेंट लॉ पोटेंट लॉ भाई अपने से ही इंटरसेक्शन लोगे तो मेरा और मेरे में कॉमन क्या है मैं खुद ही कॉमन हूं यही मेरे में कॉमन है अगली बात करते हैं नंबर पांच की जहां पर है ए इंटरसेक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बी यूनियन सी भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी दूंगा इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलोगे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी और इसे लिखोगे इंपॉर्टेंट है ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब यहां पर हमारा इंटरसेक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट यहां पर लिखते हैं अगर तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन ये देखिए कहानी है तो दिस इज इंपॉर्टेंट आप कंफ्यूज कभी ना करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन पर तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी याद रह जाएगा जैसे लग रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ये याद रखने के लिए जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ब्रैकेट में तो वैसा फील कर सकते हैं याद रखने के लिए तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए अब इसके आगे की चर्चा करते हैं आइए तो बच्चों इसका हम लोग वेन डायग्राम से फील ले, ले लेते हैं जिससे आपको अंदाजा मिल जाए मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ वेन डायग्राम की मदद से ये कैसा दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं बिल्कुल आ रहा है ये एक मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाया ये यूनिवर्सल सेट की कहानी तीन सेट तीन सेट बनाने होंगे क्योंकि ए बी सी का जिक्र है ये रहा ए ये रहा बी और ये रहा सी थोड़ा बड़ा बना लेना गोले बन जाएंगे नीचे वाला थोड़ा गोला कम लग रहा है अब सबसे पहले जो ब्रैकेट की कहानी होती है उसको पकड़ते हैं तो बी यूनियन सी तो ये है बी ये है सी तो बी यूनियन सी का मतलब होता है बी के भी सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट तो ये देखिए ये मैंने बी को पोट डाला पूरा और साथ में सी भी इसके साथ आ गया तो दिस इज बी यूनियन सी आप देख पाएंगे ये, ये हिस्से की बात कर रहे हैं अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से इस हिस्से में और ए वाले हिस्से में कॉमन क्या है तो अगर आप कॉमन ध्यान से देखेंगे, ए ये पूरा गोला था और जितना मैंने निशान बनाया है तो अगर मैं कोई और कलर ले लू कौन सा दिखेगा इसमें वही ब्लू ही लेना पड़ेगा शायद कुछ दिख जाए तो इस हिस्से में ए और इसमें कॉमन क्या है ये हिस्सा कॉमन है अगर आप देखें ये, ये हिस्सा कॉमन है मैं और थोड़ा गाढ़ा कर रहा हूं ये हिस्सा कॉमन है आपको शायद फाइनली कुछ ना कुछ अंदाजा लग पा रहा होगा बाकी इसको बड़ा कर देंगे तो वो भी हम दोनों को बड़ा करके दिखा देंगे आपको खैर इसको आप देख ही लीजिए एक बार कहा जब फैसिलिटी है तो समझ रहे हैं तो अच्छे से समझें हम दस मिनट और सही लेकिन समझ में आना चाहिए तो ये आपको बढ़िया से बड़ा वे डायग्राम दिख रहा था पहले ये वॉयलेट करल की लाइनें थी जो आप मेरे ख्याल से हंड्रेड परसेंट समझ में आ रही होंगी कलर ये बी यूनियन सी था वॉयलेट वाली अब यहां पर ए से और बी यूनियन सी का कॉमन पार्ट लेना था इंटरसेक्शन तो ए में और बी यूनियन सी में कॉमन क्या था इतना ही हिस्सा कॉमन आया और ये जो पोर्शन अभी लिखा है हम लोगों ने ये क्या रहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अब मैं छोटा करूंगा तो वो छोटा लगने लगेगा बात पकड़ में आई होगी आपके अब मैं दूसरे वाले की कहानी बनाता हूं अभी भी शायद मेरे नॉर्मल स्थिति में नहीं आए हैं हम लोग अब आ गए अब यहां पर बात करते हैं दूसरे की इसकी तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैं थोड़े से यहां देखिए तो मैं पहले ए बी सी बनाता हूं ए बी सी ये रहा यूनिवर्सल सेट यहां लिखा है ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा क्या होगा ए और बी में जो कॉमन हिस्सा है तो कॉमन हिस्सा ए बी में या ला है देखिए ठीक एक गोला और बना रहा हूं जिससे पहचान करा सकूं आपकी और सुंदर तरीके से यहां बना लेते हैं दूसरे वाला पोर्शन ए बी और ये रहा सी ये यूनिवर्सल से ठीक अब इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन सी ए सी में कॉमन पार्ट तो ए और सी में कॉमन पार्ट ये है देखिए ए और सी में ये कॉमन पार्ट है अब इन दोनों का यूनियन हमको लेना है आप देख पाए यानी इसको भी शामिल करना है इसको भी शामिल करना है ध्यान से देखिए अब अगर आप इन दोनों पार्ट को शामिल करना है तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा या, या आ, फोटो क्या आ जाएगी अगर मैं बात करूं इन दोनों को शामिल करने की ए बी और सी आप देख पाए होंगे इसको भी शामिल करना तो इसको भी शामिल किया बाजू में इसको भी शामिल करना इसको भी शामिल किया तो कुछ रिजल्ट हमारा देखिए ये पूरा शामिल किया और ये भी शामिल किया तो ये रिजल्ट देखिए क्या आ गया ये वही रिजल्ट आ गया जो पहले वाला है आप समझ पाए होंगे ये देखिए वही पूरा सब तो यहां तो साफ दिख ही रहा होगा ये वही हिस्सा है जो अभी हम लोगों ने पहले बनाया था और इस तरीके से आप देखिए तो दोनों वैल्यू हमारी बराबर निकल के आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कहानी हमारी समझ में आ गई कि दोनों जो हैं सेम है तो यह समझना जरूरी था जिससे हम लोग बातों को अपनी उस तरीके से समझ सकें और चर्चा को अगले स्टेप पे ले सकें खैर अब अगली बात करते हैं इसी में समझ गए होंगे जिसे बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है द मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स मान लीजिए दो सेट ले लेते हैं सेट्स ऑफ ए एंड बी तो ए बी इन दिस ऑर्डर यानी कि ए माइनस बी का हम बात कर रहे हैं इज सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए जो ए मे ते हो विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी सिंबल के फॉर्म में क्या लिखेंगे जब भी हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी ए माइनस बी का मतलब है और इसको रीड आउट कैसे करेंगे इसको रीड करेंगे ए माइनस बी ये इसकी कहानी है मतलब ए माइनस बी वो सेट होगा जिसमें एलिमेंट वो सेट होगा जिसके एलिमेंट ए में तो शामिल होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे समझ गए आप समझेंगे तब जब मैं एग्जांपल दूंगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं आपके लिए एक सेट बनाता हूं मैं जिसको मैं लिखता हूं एक दो तीन चार और एक बी सेट लेता हूं जिसको लिखता हूं तीन चार पांच छ और आपसे कहता हूं कि ए माइनस बी जरा बताओ तो तो हमें वो एलिमेंट लिखने जो ए में हो लेकिन बी में ना हो तो बी वाले जो कॉमन है हटा दो तो तीन और चार छोड़ के मैं क्या लिख दूंगा वन कॉमा टू तो देखिए वन कॉमा टू ए में शामिल है लेकिन बी में शामिल नहीं है तो ए वाले सेट से बी के एलिमेंट घटा दीजिए घटाने का मतलब है हकाल दो हटा दो बस अब कहीं आपसे यह पूछ लिया जाए मान लीजिए बी माइनस ए अब आप समझ गए होंगे आप तो बुद्धिमान है कि जो एलिमेंट बी में हो लेकिन ए में ना हो तो बी से ए घटा देना तीन चार पांच छे में अब तीन चार उड़ा दो तो पांच छे लिखना पड़ेगा आपको बात पकड़ पाए होगी बड़ी आसान बात होती कुछ उसमें है थोड़ी समझ गए ए माइनस बी ये बी माइनस ए तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है जैसे रियल नंबर में था कि पांच में से तीन घटाओ तो दो और तीन में से पांच घटाओ तो माइनस दो बस वैसे ही करना है हो गया काम आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दे रखे हैं उसको भी कर लेते हैं पूरी बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए तो एग्जाम्पल नंबर एटीन देखते हैं यहां पर दिया है ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बी दिया टू फोर सिक्स एट ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है तो आपको अभी मैंने समझाया था कि a माइनस बी जब आप करेंगे तो a वाले सेट से b वाले एलिमेंट हटा देने हैं तो b में दो है तो दो को हटा देंगे चार है तो चार को हटा देंगे छ है क्या छह है हटा देंगे आठ है ही नहीं खत्म अब जो बचे हैं वो लिख दो यहां पर तो एक तीन पांच हो गया ए माइनस बी अब बी माइनस ए का जिक्र कर रहे हैं ये तो इस वाले को जो कट्टम लगाया उसको मैं साफ कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो अब बी में से बी में से ए घटा दो तो ए वाले देखो दो है क्या इसमें इसमें दो है तो दो उड़ गया अब इसमें तीन नहीं है चार है छ है कितना बचा केवल आठ तो यहां पर आपको साफ तौर पे देख पाए होंगे कि ए माइनस बी का कतई मतलब नहीं होता बी माइनस ए बिल्कुल समझ में आता वो काहे को हो, हो जाएगा ठीक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है इसमें ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग चाटेंगे आपका तो ये बात क्लियर हो जाती है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का जिक्र करते हैं यहां पर आई के यू ठीक है निकालना क्या है तो यहां पे निकालना है वी माइनस बी एंड बी माइनस वी ये दो सेट की हमको वैल्यू चाहिए तो यहां पर यह फाइंड करना है फाइंड करने में अगर आप V- माइनस बी करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया एलिमेंट V में हो लेकिन B में ना हो तो V में से B वाले घटा मारो तो इसमें ए आई है ये देखिए ए काटो I काटो और कौन सा K नहीं है U है कटम, तो क्या बचा इसमें I और O ये हो गया आपका V- माइनस बी बिल्कुल आप कोई परेशानी नहीं है तो ये हो गया आपका V- माइनस बी क्या सही लिखा है कुछ गलत लिख दिया है ई e तो उसमें आई था गलत काट दिया है उसको ये आई तो कॉमन है तो आई उड़ जाएगा ई e बचेगा यहां पर ई e. देख लेना मतलब इसमें जो कॉमन है हटना चाहिए ये निशान इधर भी लगा के इधर दोनों के साथ काट लिया करो ये उड़ा दिया हमने अब बी माइनस वी का जिक्र कर रहा है तो बी में एलिमेंट हो लेकिन वी में ना हो तो वी वाले एलिमेंट हटा दो यहां से ए इसमें मिला था तो ये कट गया आई मिला था तो कट गया के नहीं है यू है कट गया तो केवल बचा क्या के ये देखिए बी माइनस वी और वी माइनस बी निकल आया अब वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि ये कहानी क्या रहती है तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं ये ए बनाया ये बी बनाया इसको ए लिखो इसको बी लिखो ये यूनिवर्सल सेट पकड़ो अब यहां पर ए माइनस बी तो ए में से बी का हिस्सा आउट कर दो तो हमारे हाथ में क्या बचा हमारे हाथ में बचा इतना हिस्सा बी का हिस्सा आउट ये दिस इज है ए माइनस बी एकदम आपको नजर आ रहा है तो ए माइनस बी ये हो जाएगा और ए माइनस बी को अगर आप लिखना चाहें कि कैसे हम इसको मेंशन करें मैथमेटिकली जो डेफिनेशन वाई था तो ए माइनस बी को लिख दो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी ये इसका मैथमेटिकल एक अप्रोच है लिखने का जो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं मेरे ख्याल से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे और इसको बनाने की कोशिश करें देखिए इसको और एक दूसरी तरीके से लिख सकते हैं ए माइनस बी को मैं पहले आपको शायद डायग्राम से दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा पकड़ेंगे आप तो ये देखिए यहां ध्यान दीजिए अगर मैं ए और बी बना रहा हूं यूनिवर्सल सेट ए माइनस बी मेरा प्यास ये हिस्सा था अभी मैंने मेंशन किया था यह क्या हिस्सा था ए माइनस बी हमको यह पता ही है कि यह जो हिस्सा होता है ऐसे लाइनें बना देता हूं यह हिस्सा क्या कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी ये ए इंटरसेक्शन थोड़ा सा ऊपर करते हैं एकदम साफ आपको नजर आना चाहिए तो ये ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी तो अगर हम लोग ए माइनस बी को लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं इस पूरे ए में से पूरा ए है ना इस पूरे ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी घटा दे तो भी तो यही रिजल्ट आ जाएगा तरह तरह से यूज करने की बात कर रहे हैं इस पूरे A में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें या बी इंटरसेक्शन ए बात ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए बात बराबर रहती है उसको घटा मारे तो भी रिजल्ट मिल जाएगा जस्ट जस्ट कीप दिस योर माइंड कहीं पर अगर आवश्यकता पड़ी तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे और यहां पर ये एरिया कितना हो जाएगा इसको भी जो बच रहा है उसको भी मेंशन कर लेना चाहिए रेड कलर से इसको मेंशन कर देते हैं तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा ये कहलाएगा बी माइनस ए ये बी में से ए को हटाल दिए तो तीन टुकड़े बन गए यहां पर ये टुकड़ा वायलट कलर वाला ए माइनस बी बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी और रेड कलर से जो दिखाया बी माइनस ए बी माइनस ए तो इस तरीके से आप ये देख पाए हैं और ये तीनों के तीनों पार्ट आपस में डिसज्वाइंट है कुछ भी टुकड़े तीनों देखिए कलर अलग अलग कर रखा है इस तरीके से जो एक्सरसाइज से पहले की थ्योरी थी पूरी मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दी है वेन डायग्राम बना बुनो के जैसे आप आसानी से समझें और मजा आता रहे पढ़ते वक्त कि बिल्कुल आसान है और है भी आसान तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ध्यान रखिएगा इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज या सीक्वेंस में देखिएगा जिससे चीजें बहुत आसान लगे और आपका कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग हो जाए थैंक यू वेरी मच विश यू ऑल द बेस्ट